वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो स्लिप डिस्क के ऊपर बनाने वाला हूँ। स्लिप डिस्क क्या होती है और क्यों इससे लोग इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, और स्लिप डिस्क सुनने पर लोग क्यों बेचैन होने लग जाते हैं, स्लिप डिस्क होने पर आप बार बार डॉक्टर क्यों बदलते हैं, और स्लिप डिस्क होने पर कितनी जल्दी आपको MRI करानी चाहिए, और कमर दर्द क्या स्लिप डिस्क बन सकता है, या हर कमर दर्द स्लिप डिस्क हो सकता है, क्या हर टांग का दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है, क्या हर पाँव में झंझनाहट होना स्लिप डिस्क की निशानी है, ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिएगा, आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछें, बट फिर भी आपको लगता है कि आप में से किसी को स्लिप डिस्क है तो पहले समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें असेसमेंट चाहिए होता है। MRI एक बिल्कुल इसका बहुत महत्वपूर्ण असेसमेंट का तरीका होता है जहाँ पे हम चेक करते हैं। तो क्या MRI शुरुआत में ही करा लेना चाहिए, या हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए, या आप शुरुआत से ही दवाइयाँ ले लें जो आपको बहुत मदद करेगी, क्या आपको मामूली सा कमर दर्द है और आप उसको स्लिप डिस्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर पर छोड़ सकते हैं, वो आपको बताएगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और किस समय किस चीज से आपको बहुत ज्यादा आराम पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्लिप डिस्क होती क्या है। स्लिप डिस्क आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी के जो बीच में जो हिस्सा है, ये डिस्क होती है, झिल्ली की तरह होती है। झिल्ली के अंदर एक लिक्विड जेली फॉर्म होता है, जिस तरह से आप समझ लीजिए झिल्ली है आपका टूथपेस्ट का ऊपर का हिस्सा, और लिक्विड फॉर्म यानी सेमी लिक्विड फॉर्म यानी टूथपेस्ट जो अंदर है। तो जब भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उम्र कारण हो सकता है, बहुत सारा रेपिटेटिव स्ट्रेन यानी कि बार बार उस पर जोर पड़ना भागने से दौड़ने से बैठने से, ये कारण हो सकते हैं, या किसी तरह से अचानक से कोई तनाव आया यानी कि आप अचानक से झुके और कोई चीज उठाई हैवी सी, या आपने बास्केटबॉल खेला या बॉल फेंकी क्रिकेट खेला, या ब्रैकेट खेलते हैं, या उम्र की वजह से कई लोगों में जो बैठे रहते हैं उनकी मांसपेशियां लिगामेंट्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो झिल्ली बाहर आना शुरू हो जाती है। उसको स्लिप का मतलब बाहर निकलना, डिस्क यानी कि ये डिस्क गोल सी दिख नजर आती है तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। बट आज ये वीडियो, इस पर मैं कई वीडियोज पहले भी बना चुका हूँ, आपको इलाज भी दिखाया है, आज ये वीडियो मैं अपडेटेड वीडियो के फॉर्म में बना रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज से 40 साल पहले भी हर कमर के दर्द को हम डिस्क से कोरिलेट करते थे और हर टांग के दर्द को हम डिस्क के साथ कोरिलेट करते थे, बट इतने टाइम से जब से MRI आई है हमने सारी चीज़ें असेसमेंट करना चालू की हैं, इतने सारे मरीज देखे हैं तो शायद इससे पहले वाले लोगों ने नहीं देखे थे। तो डिस्क सिर्फ इसका एक हिस्सा है, क्या पता आपके इनमें से किसी जॉइंट में चोट लग गई हो, वो भी दर्द दे सकते हैं, दर्द तो उसी एरिया में होगा, हो सकता है कि आपके इसकी लचक इतनी खत्म हो गई है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या बॉल फेंकते हैं या उठते बैठते हैं सामान उठाते हैं कि इसमें लचक ही नहीं है, और डिस्क बार बार हल्की सी कभी यहाँ निकलती है कभी यहाँ निकलती है कभी यहाँ निकलती है, ये प्रेशर देती है, आप 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन परेशान रहते हैं। तो अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मैं 15 या 20 साल से स्लिप डिस्क से परेशान हूँ। तो आप स्लिप डिस्क से परेशान होंगे जो आपको बताया गया, क्योंकि 20 साल पहले उतनी ही अंडरस्टैंडिंग थी, बट आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, हम एक एक दर्द को छू के महसूस करके मरीज के शब्दों के हिसाब से समझ के बता सकते हैं कि ये स्लिप डिस्क है या नहीं है, या स्लिप डिस्क को ही एक ऐसा दुश्मन क्यों बनाया जाए, डिस्क ही क्यों पूरे स्पाइन में इकलौती ऐसी चीज है जिस पे आप सारा दोष डालना चाहें, दोष और दूसरी चीजों पर भी डाला जा सकता है जैसे कि आसपास के स्ट्रक्चर्स। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी डिस्क हेल्दी रहे, ये मेरा बताने का तरीका है। हर चीज पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उम्र रिलेटेड या आपके प्रोफेशन रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें या चीजें आप कर सकते हैं होती है, तो मैं सारे अपने मरीजों को एक ही चीज जरूर बताता हूँ कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सारी चीजों की जड़ होता है जब आप बहुत ज्यादा कमर पे जोर डालने लग जाते हो, चाहे वो बैठने की वजह से हो
चाहे खेलने की वजह से, जो आप एक एक्टिविटी बार बार करते रहते हो, रेपिटेटिवली करते रहते हो, वही आपका काम है, तो उसकी वजह से ओवर स्ट्रेन होने लग जाता है और दिक्कत बढ़ने लग जाती है। थोड़ा सा अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा फुटबॉल भी खेलना चालू करें, अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, थोड़ा सा टेबल टेनिस भी खेलना चालू करें, अगर आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, हैवी करते हैं, तो देखिए हैवी एक्सरसाइज हफ्ते में एक बार करें, बाकी अगर दूसरी एक्सरसाइज अगले दिन ऑल्टरनेट डे पे आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करें, तो शरीर को, जॉइंट्स को, डिस्क को आराम या रिकवर करने का मौका मिलता है। अब बहुत सारी साइंस एडवांस हो चुकी है, आपने देखा होगा एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, जितनी चोटें पहले एथलीट्स को लगती थी अब नहीं लगती, उन सब का कारण है कि अब हमने रिकवरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि सिम्टम्स या निशानी क्या हो सकती है स्लिप डिस्क की। सबसे पहले तो निशानी ये हो सकती है, जब किसी को पहली बार कोई स्लिप डिस्क होता है तो वो बहुत ही अननोटिस्ड होता है, हल्का फुल्का कमर दर्द होता है जो 4-5-6 दिन 7 दिन में या 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर या अपने आसपास किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। बट वहीं पर बहुत सारे लोगों को पहली बार में भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कमर के दर्द के साथ साथ, उनकी कमर में थोड़ा तिरछापन, टेढ़ा आना, और ये लोगों को बार बार होती रहती है। जब भी कमर आपकी हल्के से बाहर चली जाए तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपके डिस्क पर प्रेशर आना शुरू हो गया, हो सकता है आपकी डिस्क काफ़ी बाहर जाना शुरू हो गई, और डिस्क के प्रेशर एक लेवल पे नहीं, 2 लेवल पे, ऊपर नीचे काफ़ी सारे लेवल पे आ सकते हैं, जिसमें से एक एरिया होगा जनरली L4, L5 या L5S1 होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्क मूव करने की, अगर थोड़ी सी 10% 20% निकलती है डिस्क तो इतनी दिक्कतें नहीं आती है, अंटल की कोई 40 या 50%। बट बैकएक होना, कई लोगों को वॉमिटिंग भी होता है, कई लोगों के पाँव में झंझनाहट भी होता है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स देखना शुरू हो। अब हम इतना कुछ डिस्कस करने के बाद आते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है, फिर इसमें क्योंकि डॉक्टर की महारत या एक्सपीरियंस होता है, शुरुआत में जनरली हम यही सोचते हैं कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, तो इन्फ्लेमेशन जो होती है आपके इस डिस्क के आसपास स्पाइन में, उसको ठीक करने के लिए हम पेन किलर्स, जिनको एनएसआईडीज बोलते हैं, वो दे सकते हैं, आपको आइस पैक लगाने के लिए बोल सकते हैं, और आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप 4-5 दिन घर पे ही बैठें और अपने काम पे ना जाएं, ताकि आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकें। इस पीरियड में अगर आपने काम पे जाना चालू किया, आपने 8-10 घंटे बैठना चालू किया, गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कई लोग तब भी मानते नहीं हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या काम होता है, बट मानिए कि आपके हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होगा, और कब आपको फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिक स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ अगर आपके आसपास आपको एक क्लिनिक है तो आप पहले दिन से जा सकते हैं, और कितने दिन कराना चाहिए तो वो आपके डॉक्टर की एक्सपीरियंस पे और आपकी प्रॉब्लम दोनों पे डिपेंड करता है। वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी जेंटल मसाज या रिलीज करना स्टार्ट कर सकता है, अगर आपका ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उसको नहीं दिखती है तो वो एडजस्टमेंट भी कर सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल थेरेपीज भी दे सकते हैं, आपके साथ वो एक्यूपंक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके साथ वो कपिंग थेरेपी भी चालू कर सकते हैं, आपके साथ वो लेज़र थेरेपी भी कर सकते हैं, और दवाइयाँ तो चलेंगी ही साथ में, ताकि आप, और आजकल हम बहुत सारे लोगों को जब स्लिप डिस्क या रेडिएशन यानी नमनेस के पेशेंट्स आते हैं तो CBD ऑयल बहुत रिकमेंड करते हैं, अपने मरीजों को देते हैं। CBD ऑयल जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको समझाने के लिए कि आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां गांजे का तेल बनाती हैं, जिनका इन सब दर्दों में बहुत सारा फायदा मिलता है, वहीं पे जो दूसरी गोलियां जो एलोपैथी की आती हैं जिनसे काफ़ी नुकसान या फायदा कम होता है, उसके आगे CBD ऑयल, गांजे का तेल बहुत ज़्यादा असरदार और फायदेमंद लगता है। और लास्ट टॉपिक में जो ये कवर करना चाहूँगा इस वीडियो में वो ये है कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो मैं करता हूँ वो कितना ज़्यादा असरदार है। तो मैं भी आपको बता दूँ कि जब मैं बहुत यंग था तो मैं स्लिप डिस्क के पेशेंट्स को कई बार एक एक महीना ट्रीट करता था, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मसाज या इलेक्ट्रोथेरेपी करता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट ओवर ए पीरियड मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आज हमारा स्लिप डिस्क का पेशेंट 5 दिन या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पोर्शन में बताया है कि हम बहुत ही जल्दी
अपनी जो थेरेपीज हैं उन सबसे असेस कर लेते हैं, पेशेंट की कंडीशन से असेस कर लेते हैं, क्या हम मरीज को रोज बुलाते हैं, तो हाँ स्लिप डिस्क में हम शुरुआती दौर पे जब तक कि उसको आराम नहीं मिलता रोज डेली बुलाते हैं, जब अंटिल कि उसको फायदा मिलने लग जाता है, और उसको ऑफिस कब रिज्यूम कराते हैं, हम ऑफिस तभी रिज्यूम कराते हैं जब हमें लगता है कि अब ये दो चार घंटे पाँच घंटे बैठने लायक हो जाते हैं, उनको बीच में उठने के लिए बोलते हैं, हम उनके एक्टिविटीज एक्सरसाइज कब कैसे रिज्यूम कराते हैं, तो एक्सरसाइज एक्टिविटीज उन्हीं के साथ रिज्यूम कराते हैं जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे स्लिप डिस्क से पहले, जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की उनको हम एकदम से फोर्स नहीं करते, हम कौन सी एक्सरसाइज अक्सर पेशेंट को जल्दी कराने की कोशिश करते हैं वो है वॉक। हमने ये देखा है, मैंने ये देखा है पूरी तरह से कि जो लोग जल्दी वॉक करना स्टार्ट करते हैं उनका मसल लॉस कम होता है, उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू वो लोग जो बेड रेस्ट पे। तो हमारी तरफ से बेड रेस्ट यूजली नो नो होता है, हम हाउस रेस्ट वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं कि आप घर पे रहें, रिकवर करें, हेल्दी खाना खाएं और ठीक रहें। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, हमें भी आपकी वीडियो के देखने से शेयर करने से बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है, हम आगे ऐसा ही कंटेंट आपके साथ बार बार शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, वीडियो को लाइक शेयर करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।